ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम सॉफ्ट मुंह में जाते घुलने वाली पकौड़ियाँ एकदम। और कलर भी देखिए कितना लाजवाब आया, कितना अच्छा कलर आया और एकदम परफेक्ट खट्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन्नास फूड रेसिपी। देखिए हमारी पकौड़ियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है, इनको दबा के देखिए, तोड़ के देखिए, अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट। कढ़ी को एकदम अब्जॉर्ब कर लेंगी, बिल्कुल सॉफ्ट है, कढ़ी के लिए जैसे चाहिए हमें बिल्कुल वैसी। तो चलिए दोस्तों अब हम पकौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन, ये आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत है, अब इसमें 15-20 पकौड़ियाँ बन जाएंगी। सर ये मीडियम साइज का बेसन है, ना मोटा है ना पतला है, वो इसमें हम ज़्यादा वो नहीं डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा साबुत धनिया, इससे टेस्ट अच्छा आता है, मुंह में जाता है जैसे पकौड़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है इससे थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पे हमने ऑयल गर्म करने रख दिया है, हमारा ऑयल गर्म हो रहा है अभी। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। इनको सूखा ही मिक्स कर लेंगे पहले, इसमें कोई मॉइस्चर वाली चीज़ पहले नहीं डालनी, नहीं तो गांठे पड़ जाएंगे। अब हम धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे, धीरे धीरे करके पानी डालिए इसमें, खट्टा मत डालिए नहीं तो गांठे पड़ जाएंगे। जितनी जरूरत हो डालते रहिए थोड़ा थोड़ा, आवश्यकता के हिसाब से डालते रहिए पानी, नहीं तो गांठे पड़ जाएंगे। आपको कम लगे तो थोड़ा बेसन और डाल सकते हैं, हम प्याज और हरी मिर्च भी डालेंगे, थोड़े से प्याज हरी मिर्च, उससे और हमारी टेस्टी बन जाएंगी पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ टाइट ना बने, इससे फूली फूली बने, इसके लिए हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और डालेंगे अभी। अब इसको फेटते रहेंगे हम धीरे धीरे, फेटते रहे, ज़्यादा फेटेंगे ना वो अच्छे पकौड़े बनेंगे, बहुत अच्छे पकौड़े बनेंगे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे बिल्कुल, ज़्यादा फेटना चाहिए। इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल रहे हैं, अभी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, हमने थोड़ा सा और डाल लिया, थोड़ा सा पानी और फेटना पड़ेगा पर इसको अभी बहुत देर, फेटते रहो, फेटने से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनेंगी बिल्कुल इसकी। फेट ये देखिए अब थोड़ा कलर चेंज होने लग गया इसका, येलोइश कम हो गया थोड़ा, देखिए फेटते रहिए इसको थोड़ी देर, थोड़ा ज़्यादा फेटना पड़ता है इसको। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, इससे एकदम सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनेंगी, फूली फूली बिल्कुल, टाइट नहीं बनेंगी बिल्कुल, नहीं तो अच्छी नहीं लगती ना टाइट पकौड़ियाँ कढ़ी के अंदर बिल्कुल। पानी हिसाब से डाल लीजिए, जो कम लगे तो हल्का हल्का करके बार बार डालते रहिए। अब हम इसमें पनीर डाल लेते हैं, आपके घर में पड़ा है तो डाल सकते हैं आप, मेरे पास पड़ा था तो मैंने डाल लिया, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा और एक सरप्राइज मिलेगा, कोई पकौड़ी खाएगा तो कहेगा ओ इसके अंदर तो पनीर है, अलग इंग्रेडिएंट मिलेगा ये देख के, अच्छा लगेगा। डाल सकते हैं आपके घर में कुछ और पड़ा है तो, जो मर्जी, ऐसा नहीं है। अब हम इसको हाथ से फेटेंगे, ज़्यादा ज़्यादा जितना फेटेंगे उतना बहुत अच्छा है इसके लिए, उतना बेसन फूलता है फेटने से ज़्यादा। हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, तो चलिए फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं, हमारा ऑयल हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़े डालते हैं। आपको जिस साइज़ के पकौड़े पसंद है उस साइज़ के बना सकते हैं, आपको छोटे पसंद हैं तो छोटे बना सकते हैं, मेरे को तो थोड़े मीडियम पसंद है, छोटे छोटे पसंद है, ज़्यादा बड़े पसंद नहीं है। ये देखिए वैसे भी फूल के थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो रहे हैं, फूल रहे हैं, देखिए कैसे ऑयल के अंदर जाने के बाद, देखिए कैसे फूल रहे हैं। अब बना देखिए
आ जाएंगे इसके अंदर सारे पकौड़े, छोटे छोटे साइज के बनाते रहिए इसे। फ्लेम को मीडियम रखिए, उसकी हाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारे पकौड़े जल जाएंगे। मीडियम में अंदर तक सिकेंगे वो, बाहर से भी क्रिस्पी और अंदर से भी सिक जाएंगे अच्छे से, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे, फूले फूले सॉफ्ट एकदम। तो देखिए अब हमारे पकोड़े बनके रेडी हो गए, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इनमें, एकदम हिलाते रहिए इनको, थोड़ा थोड़ा जलेंगे नहीं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में, ये रेडी हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं कितने सॉफ्ट बने हमारे पकौड़े। ये देखिए कितने अच्छे पकौड़े बने, अब बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से दबाने से देखिए कितने सॉफ्ट हैं एकदम, तोड़ के भी सॉफ्ट। तो चलिए अब हम कढ़ी के लिए घोल तैयार करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 कप खट्टा दही, दही खट्टा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी, उससे टेस्टी बनेगी खट्टी खट्टी। कम खट्टा होगा तो फिर टेस्ट नहीं आएगा ज़्यादा कढ़ी का। अब हम लेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन, सर रुका करो, मैं सब डालने से पहले आटा इनको घोल लेता बहुत अच्छे से घोलना है बेसन को, बेसन में लम्स आएंगे तो फिर कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी, फिर कांटे पड़ जाएंगे उसमें। हूँ, हटा दूंगा ये मैं। अच्छा अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक दिखा स्वाद के दो अनुसार, चलो करो। मिर्चे कम डालेंगे अभी हम, क्योंकि हमें अब बाद में भी डालनी है तड़के के टाइम में। अभी थोड़ी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालनी मिर्ची अभी, नहीं तो फिर ज़्यादा तीखी हो जाएगी। आपको अगर ज़्यादा तीखी का नहीं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, पर अभी हमें बाद में डालनी है। डालेंगे थोड़ा पानी, पानी आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से डाल सकते हैं, पर अभी इसमें थोड़ा चाहिए पानी ज़्यादा। ये भी हमारा खट्टा है थोड़ा, वो तो फेटते रहिए, हाथ से नहीं फेटा जाएगा ये अच्छे से ऐसे स्पून से। आपके पास कोई हैंड ब्लेंडर या जो भी है उससे फेंट लीजिए, मेरे पास ब्लेंडर है, मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी इसको। इसकी गांठी निकल जानी चाहिए अच्छे से, फट जाएगा तो कड़ी अच्छे से बनेगी, गांठी नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए कैसे अच्छे से रोल बन रहा है इसका, बिल्कुल ये स्पून से नहीं होना था ना, हाथ से होता है ये, इससे से अच्छे से हो रहा है। मतनी से भी कर सकते हैं आप, हाथ वाली जो होती है, पर मैं इसी से कर लेती हूँ। इसको देखिए कितनी अच्छा सा गोल बन रहा है एकदम अच्छा। अब हमारा गोल रेडी है, और हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल के थोड़े से मेथी के दाने डालेंगे और इसके अंदर गोल को डाल देंगे और आधे घंटे के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अभी अभी ज़्यादा तेल नहीं डालना, बस 1 चम्मच तेल ही डालना, मैं थोड़े से मेथी के दाने और आधे घंटे के लिए उबलने देना इसको, अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए उबल गई, उबल के तैयार हो गई, आधा घंटा हो गया। अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे, चला देंगे इसको। अभी तैयार है हमारी तड़के के लिए, अब तड़का रेडी करते हैं। इसमें 2 चम्मच तेल ले लिया हमने, जीरा डालते हैं, थोड़े से धनिया के दाने, थोड़ी सी हींग। पहले हमने नहीं डाली थी हींग, अब डाल देते हैं वैसे ही। लाल मिर्च डाल देते हैं सूखी हुई थोड़ी सी, 4। और इसमें लहसुन डालेंगे, पानी कटी हुई लहसुन थोड़ी सी, अच्छे से हिला लेंगे, जले ना जिससे भी तड़का। प्याज डालेंगे, अब इसमें लाल मिर्च डाल देंगे हम थोड़ी, पहले हमने कम डाली थी, अब इसको हिलाते रहे अच्छे से।
थोड़ी सी और डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, हमने पहले भी थोड़ी सी डाली हुई है। अब इसको हिलाएं और तड़के को कढ़ी में डालते हैं। अब हमारी कढ़ी रेडी है, देखिए बनके। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी कढ़ी कैसी बनी, और इसको घर पे ट्राई ज़रूर करें एक बारी, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।